जय श्री कृष्णा। स्टडी करते वक्त हमें कुछ बातें याद रखनी है, स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली बात क्या है इसमें कि जब भी हम एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो ज्यादातर बच्चे लर्निंग पे फोकस करते हैं कि वो चैप्टर लर्न करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या करना है, चैप्टर के एंड में जो हमारे पास क्वेश्चनरी दी गई होती है ना, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और हमें अपने आप को आइडियली क्या करना चाहिए, आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए कि क्या आपको उस क्वेश्चन का आंसर आता है क्या, यानी पॉइंट रिकलेक्ट हो रहे हैं क्या। अगर रिकलेक्शन अच्छा है, स्ट्रक्चर्ड आंसर आ रहा है, तो कोशिश कीजिएगा राइटिंग प्रैक्टिस करने की, राइटिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, पार्ट वन। पार्ट टू दूसरा ये है कि उस क्वेश्चन के मार्क के प्रपोर्शन में, मान लो अभी मेरा तो आर्ट्स एंड साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो हमारे कुछ क्वेश्चंस है ना 15 मार्क के होते थे, तो 8 पेजेस लिखना होता है, 8 to 10 पेजेस का सिंगल आंसर। ओ, तो फिर आपको मेंटल मैप बनाना पड़ता है, आपको प्लान करके रखना पड़ता है। तो हर पेज के कम से कम आपके पास 15 कीवर्ड होने चाहिए। कितने? 15 कीवर्ड, और 15 कीवर्ड के 30-35 स्टेटमेंट बनेंगे तो एक पेज होगा। ओके, तो दैट इज हाउ मैं स्टडी करता हूँ कीवर्ड्स को पकड़ के। तो एग्जाम में गलती ना हो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, पहली बात हमें चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है। मैं आपको एक मजे वाली बात बताता हूँ, 70 से 80% जो आंसर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो वहीं से आते हैं, 70% तक, यानी आपको एज गुड एज कि आपको पता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है। ओके, तो उस बात की तरफ ध्यान देते हैं। दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा, राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। तीसरी बात कि जो एग्जाम पेपर है उसमें एक बहुत जरूरी चीज है, वो है टाइम में कंप्लीट करना। आपके पास कम से कम 10-12 मिनट बच जाने चाहिए पेपर को चेक करने के लिए। एंड दैट इज वेयर 10th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आपका राइटिंग स्पीड 48 to 52 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। 48 to 52 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड चाहिए। ज्यादातर बच्चों का स्पीड 28 से 30 शब्द होता है पर मिनट, तो उस स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। और आप कहोगे कि मैं तो पूरा पेपर लिखता हूँ या लिखती हूँ, तो नहीं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे आखिरी 1 घंटे में डॉक्टर बन जाते हैं, ऐसे लिखते हैं, डिंग 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 टिंग डिंग डिंग टिंग डिंग टिंग, निंजा हथौड़ी बन जाते हैं। तो राइटिंग स्पीड जरूरी है, रिविजन जरूरी है, राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है, और वहां पे जो क्वेश्चन बैंक दी गई है उसे सॉल्व करना जरूरी है। एक और चीज जरूरी है, और वो क्या है पता है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, आपको नहीं करनी, और वो चीज है कि आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है। कई सारे बच्चों को लगता है ये बहुत इजी है, सॉल्व करते हैं और पता चला कुछ मिस कर दिया और पूरा आंसर गलत हो गया। इसे हम कहते हैं सिली मिस्टेक्स। सो आई होप ये कुछ टिप्स है जो आपको मदद करेगी। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।